गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा है। किसको देख रहे हैं? अदानी को देख रहे हैं, अंबानी को देख रहे हैं। तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ऐसे कहीं कहीं छुपे हुए जो पैसे वाले लोग हैं अमीर, उन अमीरों के तरफ उनका ध्यान ज्यादा है, गरीबों के तरफ तो वो देखते भी नहीं। भाजपा सरकार शासित मध्य प्रदेश कई मायने में नंबर वन है। यहाँ की सरकार कई मायने में नंबर वन है। कभी रोते हैं, कभी रुलाते हैं, और कभी अपनी ही बात रखने के लिए बहुत से ड्रामा भी करते हैं। और शिवराज सरकार की उपलब्धि क्या है? क्या उन्होंने आपको दिया? भ्रष्टाचार में नंबर वन बीजेपी सरकार, किसानों की घटती आमदनी में नंबर वन, अपराध में नंबर वन, कुपोषण में नंबर वन, बच्चों महिलाओं एससी एसटी के खिलाफ अपराध में नंबर वन, बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर वन। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे। जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट के तहत रखा है, और एक आदमी एक पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है, ये डबल इंजन वाले 18 साल से यहां हुकूमत कर रहे हैं और 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो यहां के समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाया? ये भाग तो दलितों का, पिछड़ों का और अत्यंत गरीब लोगों का ये एरिया है। मुझे खुशी हो गई आज कुशवाहा जी ये ज्वाइन हो गए हमारे पार्टी को, मदन कुशवाहा ज्वाइन हो गए। सुनिए सुनिए, देखिए ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे। गरीब जैसा इंदिरा गांधी जी के वक्त हर गरीब हमारे साथ था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज धर्म के नाम पर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो तो सबको खत्म कर रहे हैं। धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे हैं, और गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं, आंकड़े देख के वो कहने दो। आज आप लोग देखिए, इस देश में 5% लोग, उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। इसके बारे में कभी मोदी जी सोचते नहीं, और वो हमेशा यहां आके यही कहते हैं, मेरी सूरत देखकर आप मुझे वोट दो। अब आपकी सूरत कितने बार देखना भाई? एमएलए इलेक्शन में भी आपकी सूरत, एमपी इलेक्शन में आपकी सूरत,
यहाँ महापौर इलेक्शन में आए थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अगर मौका मिले तो वो भी आते थे, तो आए थे, तो हर यानी एक इलेक्शन नहीं छोड़ते, वो इलेक्शन मशीनरी है। देश को गवर्न करना, गरीबों का गरीबी हटाना और बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, इसके तरफ नहीं है, सिर्फ वोटों के तरफ। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, किसको क्या मिलना, इसके लिए हम लोग जाति जनगणना करेंगे। जनगणना में मालूम होता है कुशवा के कितने ग्रेजुएट है, जाट के कितने ग्रेजुएट है, जाटों के कितने ग्रेजुएट है और दूसरे बैकवर्ड क्लास के कितने हैं, सब मिल जाएगा। कितनी जमीन है उनको, कितनी आमदनी है उनकी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनके, ये सब आता है और आबादी मालूम होती है और उस आधार पर हम प्लानिंग बना सकते हैं। वो सब छोड़ के अरे कांग्रेस वालों ने अब जात जात में झगड़ा लगा रहे, बंटवारा कर रहे। अरे भाई आप तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा, ये उन्होंने ही कहा। मैं क्या सुने नहीं, आप नहीं सुने, सुने तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता, ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता, ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा है। किसको देख रहे, अदानी को देख रहे, अंबानी को देख रहे, ऐसे कहीं कहीं छुपे हुए जो पैसे वाले लोग हैं अमीर, उन अमीरों के तरफ उनका ध्यान ज्यादा है, गरीबों के तरफ तो वो देखते भी नहीं। जैसा कि राहुल गांधी जी लोगों में मिलते हैं, 4,500 किलोमीटर वो खुद पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा की है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी मां तक गले लगा लिया, किसानों को गले लगा लिया, माताओं से पूछा, छोटे मोटे व्यापारी से पूछा, सबसे मिलके उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। लेकिन मोदी साहब कभी लोगों से मिलते नहीं, अगर उनका दर्शन भी लेना है जैसा दूरदर्शन, दूर से ही दर्शन देना, नजदीक से नहीं। और ऐसे लोग गरीबों की बात करते हैं, अरे गरीब तो वो है जो दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देता है और टैक्स देने के बाद ये देश में रोड बनते हैं, पोर्ट बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, सड़क बड़े बड़े बनते हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज फैक्ट्रीज उन्होंने जो खोला, यू नो मोदी साहब एक एक करके बेच के खा रहे। किसको बेच रहे, तो बेच रहे, देखिए यहां तक पता लगा आप लोगों को, तो सोचिए मोदी साहब को कैसा नहीं मालूम। मोदी साहब तो सब गरीबों की संपत्ति, देश की संपत्ति, जो हमारे
पुरख है, जिन्होंने लड़ा, जिन्होंने देश के लिए कुर्बान किया अपनी जान, ऐसे लोग जो बना के रखे थे इन्हों बेच के खा रही एक 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 एक। और ऊपर से बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने तो ये किया, इस देश के लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, इसीलिए तो तुम मुख्यमंत्री बने हो, शाह हो मिनिस्टर बना, नहीं तो तुम कहां थे भाई। ये बीजेपी के लोग सभी देश के लोकतंत्र के लिए या देश के आजादी के लिए नहीं लड़े। सब लोग इस देश को बनाने वाले किसान गरीब यही लोग हैं। लेकिन अब ये बीजेपी वालों को महसूस नहीं हो रहा हम क्या किए और कितने घोटाले। भाई मध्य प्रदेश सरकार में इतने घोटाले हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आपको तो मालूम है लेकिन याद दिलाता हूं। जब आप वोट को जाते हैं वोटिंग करने के लिए तो आपको ये मालूम होता, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं, कम से कम मेरे को देखने के बाद तो आपको याद आएगा कि यहाँ क्या हुआ था, हमने क्या याद दिलाया।